एनडीआरएफ के कमांडेंट अमित कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? इन्होंने हमको टोटल कल रात 8 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और 9:30 बजे ऑपरेशन आपने देखा अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। तो टोटल हम लोगों को आठ लोगों को हम लोगों ने बाहर निकाला है, जिसमें 7 डेड हैं और एक जो है लाइव बच्चा था उसको निकाल लिया गया। अच्छा, कितने घंटे ऑपरेशन चला सर? तकरीबन 14-15 घंटे। लेकिन जिस तरीके से देख रहे थे, बारिश भी थी, लगातार मूसलाधार बारिश थी, कभी रुक जाती थी, लेकिन ऑपरेशन तो जारी रहा, रात भर चला। ऑपरेशन जारी रहा, ये तो हमारे रेस्क्यूअर्स का, हम लोगों का तो फर्ज है इस तरह से काम करना, तो बारिश हम लोगों के लिए कोई बाधा नहीं करती कभी। सारे लोगों का मनोबल पूरा अच्छा था और लोगों ने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया। लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए बारिश में लोग घरों में हैं, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी मवेशी भी फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या आप लोगों की तरफ से? अभी हम लोग उसका भी प्लान कर रहे हैं क्या करना है। अच्छा, लेकिन सभी लोग वैसे निकाल लिए? हाँ जी, सारे जितने हम लोगों को जो घर के जो ओनर है उन्होंने हमें 12 नाम दिए थे, 3 लोग 4 लोगों को पहले निकाल लिया गया था, बाकी जो 8 लोग बचे हुए थे उसको हम लोगों ने उस तरीके से निकाल लिया था। हाँ। अच्छा सर, बाधा कहाँ पर आ रही थी? थोड़ी दिक्कत जैसे ये था कि कुछ घंटे में निकाल लिए जाएंगे। दिक्कत ये आ रही थी, हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ से कोई हैवी अर्थ मूवर्स आ जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इतनी सकरी गलियों में अर्थ मूवर्स मूव नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ बस, इसी काम की और कोई दिक्कत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं अमित कुमार जी, सीधा कह रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत इस वजह से आई थी क्योंकि जो गलियां हैं वो संकरी हैं और जो उनकी बड़ी मशीनें हैं वो अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन का सीधा कहना है कि करीब 12 घंटे ऑपरेशन चला, लेकिन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब जो मलबे में मवेशी फंसे हैं उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है कि आगे आखिर क्या करना है। सनु शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।